गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? सिंपल मेकअप बदल सकता है आपका पूरा लुक। इन 5 स्टेप्स में सीखें आप परफेक्ट मेकअप करना। यदि आप ऑफिस में काम करती हैं या फिर कॉलेज भी जाती है तो आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना आना ही चाहिए। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह आज के समय की ज़रूरत बन गया है। मेकअप अगर सिंपल सा किया गया हो वह आपके लुक में 4 चांद लगा सकता है। तो यदि आप इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगी मेकअप में तो 15 मिनट में आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। कैसे मैंने ये मेकअप किया है मेरे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पूरा डिटेल में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो दोस्तों मेकअप करने से पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अगर आपका चेहरा पूरी तरीके से मॉइस्चराइजर या फिर सन प्रोटेक्ट नहीं रहेगा तो कोई भी मेकअप कर लो आपका लुक अच्छा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों पहले हम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज मेकअप का बेस बहुत ज़रूरी है, लिहाजा बेस के लिए लाइट फाउंडेशन या बीबी या सीसी क्रीम का इस्तेमाल करें। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ा इंतज़ार करें ताकि आपकी स्किन इसे अब्जॉर्ब कर पाए। दोस्तों ये जो हम फाउंडेशन लगाते हैं या फिर सीसी क्रीम लगाते हैं तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। बहुत ये अच्छे से ब्लेंड होगा तभी हमारा मेकअप बहुत परफेक्ट होगा। तो इसको अच्छे से मैं हाथों से भी ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद ये देखो मैं हाथों से भी इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तभी आपका मेकअप लुक अच्छा आएगा। अब मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी ताकि हमारा जो बेस है वो अब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं कंसीलर का यूज करूँगी। अगर आपके चेहरे पे डार्क सर्कल या फिर मुहासों के दाग धब्बे हो गए हों तो कंसीलर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी डार्क एरियाज होते हैं वहाँ वहाँ आप कंसीलर का यूज करें। डार्क सर्कल पर लगाना ना भूलें। अब हम कॉम्पैक्ट एंड ब्लश का यूज करेंगे। मेकअप को सेट करने के लिए पूरे चेहरे पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे और उसके बाद हल्के रंग का ब्लश का यूज करेंगे। तो दोस्तों मेकअप को सेट करने के लिए हमको कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारा मेकअप सेट हो जाता है। अच्छे से सेट करेंगे। अब हम ब्लश यूज करेंगे। हल्का सा यूज करेंगे, हमको लाइट मेकअप करना है तो बिल्कुल हल्का यूज करेंगे हम। मैंने बिल्कुल हल्का रंग का यूज किया है। तो गाइस हम अब आँखों का मेकअप करेंगे। उसके लिए मैं बिल्कुल हल्का शेड ले रही हूँ, आई शेडो बहुत ही हल्का ले रही हूँ, बहुत लाइट है, ज़्यादा डार्क मैंने नहीं लिया है। अब हम आईब्रो को सेट कर लूँगी। अब आईब्रो को सेट अच्छे से कर गए, इस पर आईब्रो पेंसिल का मैं यूज करूँगी। देखो गाइस मैं अब आईब्रो पेंसिल का यूज करूँगी अपने आईब्रो को सेट करने के लिए। अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। आईब्रो को सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं लाइनर का यूज करूँगी। हमको लाइनर लगाना है तो बिल्कुल पतली हमको लेयर बनानी है, ज़्यादा मोटा हमको नहीं रखना है। हमको बिल्कुल लाइट मेकअप करना है तो बिल्कुल पतली सी हमको लाइन बना लेनी है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा बिल्कुल हल्का सा हमको लगाना है, बहुत लाइट लाइट हमको मस्कारा लगाना है। ज़्यादा हैवी हमको मेकअप नहीं करना है तो बहुत ही हल्का में लगा रही हूँ। अब हम काजल का यूज करेंगे।
काजल हमको लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो हमारी आंखें उससे बहुत सुंदर लगती है। अब जो लास्ट हमारा फाइनल है वो है हमारी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ थोड़ी डार्क ही यूज कर रही हूँ, थोड़ा बाद में ये लाइट हो जाती है, अभी आपको डार्क नज़र आ रही होगी। देखो गाइस मैंने अप्लाई कर ली है लिपस्टिक, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। मैं दोस्तों इसको थोड़ा लाइनर से सेट कर लूँगी क्योंकि इधर उधर ये ख़राब हो जाती है, तो इसको लाइनर से ये, तो ये देखो गाइस मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हो आप। देखो गाइस मेरा फाइनल लुक देख सकते हो आप, मैंने ये कंप्लीट कर लिया पूरा मेकअप। तो गाइस ये आप अगर कॉलेज भी जाती हैं या फिर ऑफिस में जाती हैं तो उसमें आप ये मेकअप कर सकती है, बहुत आसान सिंपल सा मेकअप है ये, तो आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। तो गाइस ये आप आराम से 15 मिनट के अंदर आपका ये मेकअप हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।